दादाजी ये शॉप जो है 1968 से यहीं पे है। दादा का जो उम्र है 80 साल है ना दादा? हाँ प्रेजेंटर। इस छोटे से ठेले पे करीबन 5 लोग हैं और ये करीबन 1968 से बना हुआ है। 5 लोग काम कर रहे हैं, एक दादाजी हैं, एक उनके साथ है भैया। क्या खाने आए हो? और कुछ नहीं है। बताशे खाने आए हो? ओके गाइज, आज हम लोग आ चुके हैं हजरतगंज और हजरतगंज में है शुक्ला चाट हाउस, जो कि 1968 का चाट है और हमको लग रहा है कि उस समय का चाट है। तब से ही अपने दादाजी यहाँ बेच रहे हैं चाट और ये अभी लोगों को पानी पूरी खिला रहे हैं। और इनके काउंटर की बात करें तो गाइज ये है शुक्ला चाट हाउस और ये बहुत फेमस है अपने लखनऊ में। अगर आपको खाना है तो आप जो है हजरतगंज में आप आ सकते हैं और जो है लखनऊ चाट हाउस के पास आइए और वहाँ पर खाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है चाट बन रही है, पानी पूरी खिला रहे हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, दादी जी के हाथ से कुछ पानी पूरी खाएंगे और कुछ यहाँ से पैक करा के लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस, दही बड़ा में दही जा रहा है। बस दही जा। देख पा रहे हो गाइस पानी पूरी, अलग ही थोड़ा टेस्ट आ रहा है। दादाजी ये बताइए क्या बजे दुकान क्या बजे तक खुल जाती है? ढाई से लेकर के 10 तक, आजकल तो 10 बजे बंद हो जाती है। दादाजी ये शॉप जो है 1968 से यहीं पे है? नहीं भैया यहीं नहीं। हाँ पहले कहीं और थी? हाँ आगे। अच्छा किसी घर पे बड़े भाई साहब को प्रेम हो गया हमारे ऊपर। अच्छा तभी से जो है घर घर कई जगह गए। अच्छा एक और शुक्ला हाउस शुक्ला है वही। तो वो आपके बड़े भाई हैं? अरे वो तो सब भतीजे हैं, बड़े भाई तो 87 तक बंदे न विराजमान है, बस बाइक में सर्विस लगवा देते हैं। अच्छा अच्छा और इनको खिलाइए दही वाला। अच्छा गाइस यहाँ पे देख रहे हैं दही वाला बना रहे हैं। उन्हीं का प्रेम है, दुकान पर 25 साल बैठे हैं। अच्छा अच्छा तो ये अपना बन के आ गया है दही वाला, दही बतासे, यानी ये दो टाइप के दही बतासे हैं। ये देख पा रहे हो पूरा फिलिंग है, पूरा फिल है अच्छे तरीके से। एक बार इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या। तो ये दही वाला बतासा है गाइस, इसको खाते हैं। देखो बच्चा कहाँ गया? अरे करता है छोटा बच्चा भी अपने खाने आया है। हेलो बोलो। हेलो क्या खाने आए हो? बताशे खाने आए हो? बिल्कुल यूनिक अलग आ रहा है ना। अब जो है गाइस अब हम इनके थर्ड आइटम पे जाएंगे, एक टिक्की बनवाएंगे और टिक्की खाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो टिक्की बन रही है। तो एक काउंटर पे करीबन 4 लोग काम कर रहे हैं कि 5 लोग? 5 लोग काम कर रहे हैं, एक दादाजी हैं, एक उनके साथ है भैया और अपने चाट ये संभाल रहे हैं। और भैया जी अपने क्या आप संभाल रहे हैं? दही चटनी बनाने का काम। अच्छा दही चटनी बनाने का। और भैया आपका? अच्छा चाट बता से। तो इतने लोगों हैं इस छोटे से ठेले पे, करीबन 5 लोग हैं और ये करीबन 1968 से बना हुआ है। ये गांधी आश्रम के सामने आपका ठेला लगता है? अच्छा आप ऑनलाइन भी बेचते हैं? जोमेटो से ऑर्डर किया है। दोनों में स्विगी और जोमेटो से है। तो यहाँ पे जो है शुक्ला चाट जो है अपना ऑनलाइन भी ऑर्डर करता है। तो आप जो है स्विगी और जोमेटो पे आके जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे खा सकते हैं। अभी जो है अपना चाट बनने जा रहा है। तो वहाँ से बन के अब यहाँ आ गया। ये जो है नमक वगैरह डलने जा रहा है। ये नमक गया, ये क्या है? ये मसाला है, ये काला नमक, मिर्च एंड दिस इज दही जो कि पूरा फुल है। तो अब जा रहे हैं गाइस यहाँ का दही बड़ा टेस्ट करने। और ये है अपना दही बड़ा, बड़ा जो है इसके अंदर ही था। फुल दही
काला नमक है, मसाला है, चटनी है। चटनी किस किस चीज़ से बनती है? टोमेटो वाली है। दिस इज़ अब दही बड़ा, और दही अपना पूरा अंदर है, बड़ा जो देख पा रहे हो गाइस पूरा ये है अपना बड़ा। एंड दही मसाला भी मिक्स है, एक टेस्ट लेते हैं। बढ़िया, एक नंबर। दादा आपका सारा आइटम बहुत अच्छा लगा है, मैं पहली बार आपके शॉप पे आया हूँ। बहुत पुरानी दुकान है और पूरे मजे हुए खिलाड़ी दादाजी हैं, पूरे हर चीज़ टेस्टी है। तो दादा का जो उम्र है 80 साल है ना दादा? हाँ, प्रेजेंट टाइम 79 दबा कर गया। 79 ईयर्स ओल्ड दादा। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं, एक दिन और आएंगे, इनकी जो है पापड़ी बच रही है वो पापड़ी टेस्ट करेंगे और आप सबको टेस्ट कराएंगे। तो खाली